हेलो दोस्तों, मेरे मामू और हम नानी घर जा रहे हैं। देखिए चलो चलते हैं। आज सरस्वती पूजा है, आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामना। और मैं माँ सरस्वती से प्रे करूंगा कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए और माँ सरस्वती आप सभी को सद्बुद्धि दे। आज उपवास है मेरा, उपवास दिन ही क्यों भूख ज्यादा लगता है, अभी ज्यादा नहीं, अप्रोक्स जा रहे ना 10 बज रहा है फिर भी भूख लग रहा है, और बाकी दिन 12 बज जाता है फिर भी भूख का पता ही नहीं चलता है। खैर चलिए, आज हम लोग जा रहे हैं गांव, वहां पर सरस्वती पूजा है, वहीं पर दिखाऊंगा मैं आप लोगों को आज का सीन। ठीक है जा रहे हैं। पहुंच चुके हैं और दादी का जो कुछ कुछ पूजा बच गया था, कर्मठ वगैरह कहा जाता है, पूरा शुद्धिकरण सब हो गया, लास्ट स्टेज बस बाकी है, गौदान वगैरह बाकी है। हम लोग बैठे थे और अभी विद्या को मैं पूछता हूँ, अभी पूछूंगा कौन कौन सा पेड़ ये जानती है। रास्ता में आ रहे थे, बोल रही थी वो खजूर का पेड़ है ना विद्या, अभी पूछूंगा कितना जानती है। चलो विद्या बताओ तू कौन सा पेड़ है, ये वाला खजूर का पेड़ है। कौन सा पेड़ है? खजूर का पेड़ है। एक ओम साय वस्त्र पहनता महा ओम मित्राचार्य वस्त्र पहनता महा, मित्राचार्य वस्त्र पहनता महा, कट जाओ दे लो। ओम पुलास्त्र पहनता महा, पुलास्त्र पहनता महा, ओम क्रतोस्त्र पहनता महा। विद्या वो कौन सा पेड़ है विद्या? हल्दी का पेड़। क्या पेड़ है? हल्दी। झूठ बोल रही है, कौन सा पेड़ है बताओ तो। बताओ तो। चलो शिवानी बताइए, शिवानी कौन सा पेड़ है वो? आम। कौन सा पेड़ है? आम। देखो तो शिवानी जान गई। तो गाइस अभी थोड़ी देर पहले ही हमारा जो गौदान होता है वो भी कंप्लीट हो चुका है, अब जो शुद्धिकरण होता है वो भी कंप्लीट हो चुका है, अब मैं सरस्वती पूजा कर सकता हूँ। तो अभी विद्या को भूख लग रहा है ना विद्या? क्या क्या खाएगी? कुछ नहीं खाएगी ना। खाएंगे। क्या खाएगी? भाजी भात। अच्छा ठीक है, भात खाएगी विद्या, चावल खाएगी। नहीं भुजी भात। क्या होता है भुजी भात? भुजी भात। अच्छा ठीक है। तो अभी यहाँ पर तो पूजा हो गया है, बट फिर भी मैं पूजा करने जाऊंगा। पूरा सब लोग पूजा कर लिए हैं गांव में, बट कुछ लोग हम लोग बच गए हैं, हमारा जो फैमिली है, हमारा जो जनरेशन का आदमी लोग है वो लोग बच गया है। तो अभी पूजा करने जाएंगे थोड़ी देर बाद।